राहुल जी आदाब। आज हमें जो खुशी हो रही है इसका हम आपको बयां भी नहीं कर सकते हैं। आज जुम्मत उलमा तकरीबन भारत आज़ादी से लेकर कांग्रेस के साथ दे रहा है। ये जमीयत उलमा ऐसा एक पार्टी है, ये जमीयत उलमा ऐसा एक पार्टी है, आज़ादी के वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैहि, इन लोगों का ऐलान के ऊपर लाखों उलमा शहीद हो गए, लाखों मुस्लिम नौजवान शहीद हुए इस देश के खातिर। जब आज़ादी के वक्त, आज़ादी से पहले ब्रिटिश के साथ लड़ाई करते हुए 57,000 उलमा को दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक पेड़ों पर लटका कर उनको सूली में चला दिया गया। आज ये जमीयत उलमा है, जमीयत उलमा का तारीख गवाह है। जब भारत का बंटवारा हुआ तन्हा जमीयत उलमा का हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि और अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐलान किया, हम इस भारत के रहने वाले हैं, इस देश के लिए हमने खून बहाया है, इस देश के लिए हमने मर मिटे हैं, हम इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके बाद अक्सर लोग पाकिस्तान नहीं जाके इस देश को चॉइस किया है, इसलिए हम मुसलमान बाई चांस यहाँ के सिटीजन नहीं है, बाई चॉइस यहाँ के सिटीजन है। जब इस वक्त तक भारत के बंटवारे के बाद जमीयत उलमा एक उस वक्त तक सियासी पार्टी थी, उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैहि, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये सोचा है अब हम माइनॉरिटी हो गए हैं, अब अगर हम अपना सियासी पार्टी बनाएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे और हम हमारे लोगों के हक में बात नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमें कोई सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर अपने आप को मुकाम देना पड़ेगा। उस वक्त तक सिर्फ एक ही सेकुलर पार्टी था, कांग्रेस पार्टी। जमीयत उलमा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है और आज तक इस कांग्रेस के साथ सपोर्ट करते आ रहा है। लेकिन राहुल जी, लेकिन इस लेकिन में कई कई सवाल हैं।